तो मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पहले हमें चेन डालना है। चेन के लिए मैं स्लिप नॉट डाल रही हूँ। स्लिप नॉट डाल के हमें 100 चेन डालना है। इसके लिए मैं इधर 100 चेन बना लूँगी ऐसे ही। देखिए अभी 100 चेन कंप्लीट हो गया है। तो अभी इसको जो फर्स्ट में चेन, फर्स्ट चेन है उसके साथ में स्किप चेन डाल के मैं राउंड बना लूँगी इसको। एक स्लिप चेन डाल के देखिए अभी ये जो है राउंड बन गया है। अभी यहाँ से हम फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट राउंड के लिए 3 चेन डालना है। 3 चेन डाल के हर एक चेन में भी घे से 3 चेन डाल के अभी फर्स्ट चेन में मैं क्रोशे को डाल के डबल क्रोशे बना रही हूँ। ऐसे ही हर एक चेन में डाल के डबल क्रोशे बनाना है। देखिए ऐसे ही सेम बनाना है। पूरा 100 डबल क्रोशे होने चाहिए। अभी मेरे डबल क्रोशे जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी मैं इसको फर्स्ट 3 चेन जो डालती हूँ उसमें डाल के मैं इसको कनेक्ट कर लेती हूँ। कनेक्ट करके अभी हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन बना के देखिए मैं फर्स्ट जो डबल क्रोशे था उसमें चेन क्रोशे डाल के एक डबल क्रोशे बना रही हूँ। फिर से दो डबल क्रोशे उसमें ही डाल के हम ऐसे ही 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल यहाँ हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अभी मेरे 10 डबल क्रोशे जो है हो गए हैं। तो अभी मैं यहाँ स्टार्टिंग के चेन में क्रोशे को डाल के उस लूप को लेके मैं उसके अंदर से होल में डाल दूँगी। फिर एक हमें चेन बनाना है। फिर से हम डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 बार हम डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया है। तो एक डबल क्रोशे मैंने डाल दिया था। तो अभी 2 बाकी है। 2 डबल क्रोशे मैंने इधर डाला है। तो हमारा टोटल 3 डबल क्रोशे हुआ है। तो डिज़ाइन ऐसे ही आता है। तो नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट डबल क्रोशे में 10 डबल क्रोशे को डालेंगे। ऐसे ही बहुत इजी वाला पैटर्न है। सेम ऐसे ही करते जाना है हर राउंड में भी। थोड़ा सा कम करते जाना है लूप्स को। इसमें अभी 10 डाल रहे हैं तो नेक्स्ट में 9 और 8 7 ऐसे ही डालते जाना है। देखिए अभी मैं इस फर्स्ट में वाले चेन में जो डाल के उसके अंदर से लूप लेके एक चेन डाल रही हूँ। फिर अभी 3 डबल क्रोशे डालना है। नेक्स्ट चेन में से 3 डबल क्रोशे को डालना है। दो हो गया और ये 3 हो गया। अभी इसको ठीक कर लेना है। तो ये देखिए हमारा पैटर्न ऐसे ही बनते जा रहा है। तो मैं और एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये एक बार लूप देखे 10 बार डबल क्रोशा सेम चेन में ही डालना है।
ये देखिए अभी हमारा सात हो गए हैं, तो अब मैं और तीन डाल देती हूँ। तो अभी इसमें फर्स्ट वाले में जो है वो चैन में डाल के उस लूप को लेके मैं उसमें डाल के एक चैन बना लेती हूँ। तो ये हो गया पैटर्न, देखिए इसे डिज़ाइन हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट चेन से तीन बार डबल क्रोशे डालेंगे। ऐसे तीन बार डबल क्रोशे डाल के मैं ये रो पूरा इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए अभी मेरा फर्स्ट जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं यहाँ इसको जॉइंट कर लेती हूँ, जो हम तीन चेन पहले डाले थे उसमें डाल के मैं स्लिप स्टिच बना के मैं इसको जॉइंट करती हूँ। तो अभी मैं नेक्स्ट कलर ऐड कर रही हूँ। इसके लिए कलर को ऐड करके तीन चेन डालना है। तीन चेन डाल के अभी हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए जो गैप था उधर उसमें एक डबल क्रोशिया, फिर से दो डबल क्रोशिया, ऐसे ही हम चार चार डबल क्रोशिया हर साइड में डालते जाएंगे। इसे कंटिन्यूस में पूरा इस रो में भी डबल क्रोशे डाल के आपको चार चार डबल क्रोशे डाल के दिखाती हूँ। देखिए वह हमारा डबल क्रोशिया जो है कंप्लीट हो गया है। तो हम फर्स्ट जो तीन चेन में डाले थे उसमें डाल के हम सेल्फ स्टिच बनाएंगे, फिर से तीन चेन बना के फर्स्ट जो डबल क्रोशिया था उसमें हमें क्रोशिया को डाल के नेक्स्ट में टेन डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में क्रोशिया को डाल के 10 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से वैसे ही वही पैटर्न सेम जैसे हम पहले किए थे, फर्स्ट में डाल के फिर वो लूप के अंदर डाल के फिर चेन बना के ऐसे हमारा पैटर्न को ठीक कर लेना है। तो ये रो भी मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। फिर बाकी दो चेन इधर, दो डबल क्रोशे मैं इधर डालूँगी नेक्स्ट में। एक हो गया, दो हो गया। तो अभी यहाँ मैं फिर से डबल क्रोशे को डालूंगी 10।
दाल के अभी मैं सेम वही पैटर्न में इधर कंटिन्यू करूँगी। ऐसे ही मैं पूरा पैटर्न जो है मैं कंप्लीट कर लूँगी। इधर नेक्स्ट को जो है 9 बार डबल क्रोशिया करके पॉपकॉर्न का डिज़ाइन जो है वो कर लेना है। और नेक्स्ट 7 8 8 7 ऐसे ही मैं कम करते करते आपको दिखाती हूँ। कम करके बना के मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये रो जो है एंड हो गया है। तो ये देखिए अभी कितना सुंदर दिख रहा है। तो अभी मैं ऐसे ही आपको जैसे मैं पैटर्न में दिखा रही हूँ वैसे ही मैं कम कम बुनते हुए पूरा इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। डिज़ाइन जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा डिज़ाइन जो है अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं भी इसमें जो है इसमें यहाँ एक छोड़ रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है बोल के। तो मैं इसके लिए वाइट वूलन ले रही हूँ। उसके साथ मैं एक मैजिक रिंग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। मैजिक रिंग लेके हम इधर 3 चैन डालेंगे। 3 चैन डाल के 8 डबल क्रोशिया रिंग के अंदर डालेंगे। देखिए ऐसे 8 डबल क्रोशिया में यहाँ डाल रही हूँ। तो ये अब हमारा 8 डबल क्रोशिया हो गया है। तो इसको मैं लूप को खींच के टाइट करके इसको मैं फर्स्ट 3 चैन जो डाली थी उसमें से मैं इसको स्लिप स्टिच बना लूँगी। देखिए इसे मैं स्लिप स्टिच बना के अभी 1 चैन डाल के हर 1 चैन में भी मैं सिंगल क्रोशिया डालते जाऊंगी। देखिए इसे मैं अभी यहाँ पूरा सिंगल क्रोशिया डाल के आपको
दिखाती हूँ। देखिए मेरा भी सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं उलन को कट करके निकाल रही हूँ। तो अभी इसको मैं कट कर ली हूँ। तो अभी इसको हमें सी लेना है। तो मैं इसको सीने के लिए सुई में उलन को डाल के, तो अभी मैं इसको सी के दिखाती हूँ। देखिए इसे दोनों को कनेक्ट करके हमें सी लेना है। ऐसे ही मैं इसको पूरा सी के आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा अभी ये सी के कंप्लीट हो गया है। तो देखिए हमारा डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये डोरमैट और तालपोश पसंद आए तो ज़रूर मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।